चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये दोनों ही ड्रिल मशीन है। ये साधारण ड्रिल मशीन है, एक की साइड में ये रोटेट होती है और इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये स्क्रू ड्राइवर है, ये भी ड्रिल मशीन है, इससे स्क्रू कस सकते हैं। ये दोनों तरफ चलती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो इसके चलाने का मैं तरीका बताऊंगा, एक एक करके आपको सारी चीजें इसमें बता देता हूं, अगर आपको चलानी भी पड़े कैसे चलाते हैं इसको, कैसे क्या करते हैं। तो इसमें जो आगे ये बोर होता है जहाँ डिप लगती है, ये 10 mm होता है। 10 mm का मतलब तीन सूत तक इसमें कोई भी आप डिप लगा सकते हो। जैसे ये डिप पड़ी है, ये इधर ये लकड़ी में भी छेद कर सकते हैं, लोहे में भी छेद कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, लोहे और लकड़ी में छेद दोनों में छेद कर सकती है, ये डिप होती है। और एक ये है, ये जो ये लकड़ी में छेद करती है, अगर आपको किसी साइज में छेद करना है और आपको कोई डिप नहीं है तो ऐसी आप घर पे भी बना सकते हो। ये घर पे एक सरिये से बना सकते हो, ये भी आपकी डिप इसमें काम दे जाएगी। और ये जो डिप होती है ये दीवार में छेद करने के लिए होती है, ये दीवार के लिए होती है, पक्की दीवार में जहाँ भी छेद करना हो तो ये डिप काम आती है। और स्क्रू जो अपने पेच होते हैं उनको कसने के लिए, एक चार मुंह का पेच होता है जिसमें चार मुंह की साइड ये आगे कर देते हैं, दो मुंह वाला दो मुंह, इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं। जैसे स्क्रू में आपको दिखा देता हूं, स्क्रू में जो पीछे ये निशान होते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस वाला बोलते हैं, इसको प्लस वाला बोलते हैं, और आम भाषा में इसको चार मुंह वाला और इसको दो मुंह वाला बोलते हैं। इनके लिए ये डिपें होती है, ये भी ये स्क्रू ड्राइवर है, यानी स्क्रू इससे कस सकते हैं, खोल सकते हैं। और इसका फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे यूं लगा देते हैं और इस ये कसे जाते हैं, यहाँ लॉक कर देते हैं इसको, कस के लॉक करने के बाद यहां से ये लॉक हो गई। दूसरा इसमें मैं आपको यहां बताता हूं, ये फंक्शन दिए होते हैं, ये जो नंबरिंग दी हुई है दूसरी जगह, ये इसका टोरक होता है। टोरक को स्क्रू को मान लो कसना है, जैसे मैं आपको अब समझाता हूं, जैसे कोई ये स्क्रू कसना है तो इसमें पीछे से अपने कितना ही जोर लगाना पड़ेगा वो टोरक होता है। ये टोरक यहां से अपने बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे टोरक बढ़ता जाता है। और जब अपने स्क्रू लगाते हैं आगे, यहां स्क्रू लगा के अगर टाइट करना है या खोल वैसे भी, तो इस मशीन को जैसे ही चलाते हैं, इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो मैं आपको चला के दिखा देता हूं वो कैसे काम करता है। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो अब ये देखो चल रही है। अब स्क्रू को लगाते हैं, स्क्रू भी अब टाइट कर रहा है। स्क्रू टाइट होने के बाद ये स्लिप ना हो, जब स्क्रू पूरा टाइट हो जाएगा तो ये डिप क्या करेगी, एक जगह रुक जाएगी। अब मैं वो भी दिखा रहा हूं आपको, अब मैं रोक के दिखाऊंगा आज से। जैसे ये यहां चल रही है, मैं ये डिप नहीं चलेगी अब आपकी, ये काम है। और जैसे चल रही है, जैसे ही स्क्रू टाइट होगा, टाइट होते ही ये यहीं रुक जाएगी। इस प्रकार जहां स्क्रू टाइट हो गया वहीं ये क्या करेगी, फ्री हो जाएगी, आगे घुमाएगी नहीं उसको। तो वहां से अपने जाया, अगर जाया टाइट करना है तो यहां से जो अपनी टोर्क है वो टोर्क बढ़ा सकते हैं, जितना भी बढ़ाएं। और अगर कोई छेद करना है, लकड़ी में छेद करना है, दीवार में छेद करना है, तो ये लास्ट वाला निशान, ये 8, 9, 10 ये लास्ट वाला निशान दिखता है, इसको आपको यहां ये 1, 2 ऐसे करके लेके जाना है आपको लास्ट में। लास्ट वाला ये जो निशान है, यहां पे चलाओगे तो यहां पे ये स्टॉप नहीं होगी, यहां पे फुल्ली चलेगी जितनी आप स्पीड इसको करोगे। ये तो आ गई इसकी स्पीड की। यहां पे छेद करना हो और करना हो तो यहां हाई टोर्क है, सबसे हाई टोर्क पे ये रखना होगा आपको। दूसरा इसमें एक फंक्शन और होता है जो मैं दिखा देता हूं, ये जो एक पिन सी लगी हुई है, इसको इस तरफ दबाओगे, इस साइड में आपको दिख रहा होगा एक तीर का निशान, यहां एक तीर का निशान दिख रहा है, ये आगे की तरफ तीर का निशान है, ये इस तरफ बाहर आई हुई, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज आगे घूमेगी। मैं धीरे से चला के दिखाता हूँ, ये देखो क्लॉकवाइज घूम रही है,
और जब भी मैं इस पत्ती को इस इधर से दबा दूंगा, अब इस साइड में देखना, ये जो आपको निशान दिख रहा है ये पीछे की तरफ तीर का निशान दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये इधर बाहर आ गया, अब मैं चलाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। देखो एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसमें स्पीड का एक और होता है, यहाँ पे जैसे फैन में रेगुलेटर लगा होता है उसी प्रकार यहाँ एक ये रेगुलेटर की तरह बटन लगा होता है, इससे आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। एक तो ये स्पीड को कंट्रोल करता है, दूसरा ये जो अपने पुश करते हैं बटन, जैसे मैं पुश करूंगा इसको, जितना मैं इस पुश करूंगा तो देखो अभी धीरे धीरे चल रही है, अब मैं इसको ज़्यादा पुश करूंगा तो ज़्यादा तेज चलने लग जाएगी। ये एक्सीलेटर की तरह काम करता है, जैसे कार जीप में एक्सीलेटर जैसे दबाते हैं, रेस को जैसे ही पैर से दबाते हैं, जितना भी दबाएंगे, अब देखो मैं थोड़ा सा दबाया तो धीरे धीरे चल रही है, जितना ही मैं इसको ज़्यादा प्रेस करूंगा, इसको मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करता हूँ तो स्पीड हो जाती है। ये यहाँ भी इसका एक्सीलेटर की तरह भी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कोई लंबा काम करना है तो यहाँ ये लॉक है इसका, ये लॉक कैसे करता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसको आप प्रेस करके इसको दबा दोगे तो ये यहीं रुक जाएगा, और वापस इसको हटाना है तो इसको एक बार प्रेस करना है, अपने आप ये बाहर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक के लिए हो गया लॉक आपका। ये आपको मैंने बताई दी मेन मेन चीज़ें, और इस प्रकार ये ड्रिल काम करती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।